फ्रेंड्स, मैं वैशाली अग्रवाल फैस्टू कंसल्टेंसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है इर्गोनॉमिक हजार्ड्स, दैट इज इर्गोनॉमिक खतरे। यस, हिंदी में भी इसको इर्गोनॉमिक्स ही बोलते हैं। ये वो खतरे हैं जो कि हमें वर्क प्लेस में काम करने की वजह से होते हैं। मतलब इर्गोनॉमिक्स इश्यूज कब अराइज होते हैं? जब वर्क प्लेस हमारे हिसाब से नहीं है या हम वर्क प्लेस के हिसाब के नहीं है। मतलब वर्क प्लेस इज फिटिंग द पीपल और पीपल इज फिट फॉर द वर्क प्लेस। जब ये दोनों का सामंजस्य बिगड़ता है तो इर्गोनॉमिक्स खतरे पैदा होते हैं। अभी किस तरह के होते हैं? रिपीटेशन है, ऑकवर्ड पोस्चर है, फोर्सफुल मोशन है, स्टेशनरी पोजिशन है, डायरेक्ट प्रेशर, वाइब्रेशन, एक्सट्रीम टेम्परेचर, नॉइज, वर्क स्ट्रेस। देखिए, बहुत सारी कंडीशन एनवायरमेंट की, बहुत सारी हमारी रिलेटेड इसमें, राइट? कोई चीज़ को हम बार बार दोहरा रहे हैं, कर रहे हैं, ऑकवर्ड पोस्चर है, हम इसमें और आगे देखेंगे भी क्या क्या है। जैसे देखिए, ये कुछ सोर्सेस इर्गोनॉमिक रिस्क के। ह्यूमन, उसका मूवमेंट, ऑब्जेक्ट, प्रोसेस, टाइम, टूल्स, वर्क प्लेस, ये सब इर्गोनॉमिक के हजार्ड के सोर्सेस हो सकते हैं। और हम देखते हैं इसमें क्या एग्जांपल्स है। फ्रिक्वेंट लिफ्टिंग, बार बार हमें कोई सामान उठाना पड़ रहा है, रखना पड़ रहा है, कंटिन्यूसली 8 आवर्स की शिफ्ट हम यही काम कर रहे हैं, और एडजस्टमेंट नहीं है चेयर का, वर्क स्टेशन का। आप देखेंगे तो ऑफिस इर्गोनॉमिक्स भी काफी बड़ा टॉपिक निकल कर आता है। बैड पोस्चर है, ऑकवर्ड मूवमेंट्स है, फिर कुछ मोटर स्किल्स है, उसमें रिपीटेशन हो रहा है बार बार, फिर वाइब्रेशंस है बहुत ज़्यादा, फोर्स बार बार लगाना पड़ रहा है, आपकी कंफर्ट जोन के बाहर आपको बार बार जाके काम करना पड़ रहा है। तो ये सब इर्गोनॉमिक हजार्ड्स हैं। देखिए कुछ एग्जांपल्स है, आप ये पोस्चर्स देखिए इसमें, और कंटिन्यूस रिपीटेशन, कहीं पर ये कहीं पर वो दिखेगा। तो जनरली हम लोग, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो ऑफिस स्टाफ होता है, कई बार वो कंप्लेन करता है कि हमारे जो है आंखों में नमनेस आ गई है, गर्दन में दर्द रहता है, हाथ में दर्द रहता है लगातार कंप्यूटर पे या स्क्रीन पे बैठने की वजह से। और वर्कर्स वगैरह कंप्लेन करते हैं हमारे हाथ पैरों में दर्द है, दिन भर साहब खड़े रह के काम करते हैं, बैठ के काम कर रहे हैं। तो आप देखिए, ये कई तरह के इश्यूज अराइज होते हैं, उनको एक एक चीज़ करनी पड़ती है, एक ही जैसा काम बार बार, तो उनकी हाथ में पैर में दर्द होता है, पिंडलियों में। तो ये सब इर्गोनॉमिक हजार्ड्स में आता है। होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।